நீல்லாத நாளல்ல நாளாகுமா நீல்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா யெகூசு கா புஸ்தக 23 அத்தியாய கா 3 வசன और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारे ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए बहुत याव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दहिने मोड़ना और न बाएं। भक्त यहोशु अपने अंतिम के समय में उसके मृत्यु के पहले सारा इसराइली लोगों को बुलाया और प्रमुख और अगुवे सबको बुलाकर उन सब लोगों के लिए अपने अंतिम जो है सलाह को यहाँ पर दे रहा। इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक अच्छा सलाह को दे रहा, तुम निर्णय कर लो और हियाव बांधो। पिछले दिनों में जो मिस्र देश से जो कनान देश तक आए हैं ना, परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए सारी बातों को किया उसको कभी भी आपको भूलना नहीं है। खास बात यह है, परमेश्वर आपके लिए युद्ध किया भूलना नहीं। मैं जाने के बाद इससे बढ़कर आत्मिक युद्ध भी आ सकता है। वास्तविक में युद्ध सब आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं, कभी नहीं डरना, हिम्मत के साथ रहना। यहोवा ने जिस ढंग से आपको अगुवाई किया और युद्ध किया, ये सारी बातों का कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर किस प्रकार इनको युद्ध करके जिताया, ये सब देखने से बहुत ही आश्चर्य है। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय में 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे तो यहूदियों और मिस्र की सेना के बीच में परमेश्वर ऐसे खड़ा हो गया, अग्नि स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ, कोई जो है मिस्र के लोग वहां पास नहीं आ सका। आज परमेश्वर इन दिनों के विश्वासियों से कहने के लिए चाहता है, शत्रु के बीच में या शत्रु की तलवार के बीच में, दुश्मनों के बीच में परमेश्वर खुद होगा। परमेश्वर का तलवार जो है बीच में खड़ा होकर आपको स्वयं रक्षा करेगा और बचाएगा। उन दिनों में अग्नि की खम्बा का जैसे खड़ा रहा, आज भी परमेश्वर हमारा पक्ष में खड़ा होकर, आपके पास कोई भी दुश्मन नहीं आएगा, कोई भी जो है विरोधी नहीं आएगा। परमेश्वर आपके बीच में खड़ा होकर उनको कभी समीप में आने नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के युद्ध आंखों के सामने नहीं दिखती है, परमेश्वर इस प्रकार हमें सुरक्षित करने वाला है। डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।